तब तो मैं दूर था, फिर मैं खुद चलाया क्या क्या अभी जितना शांत कर देना मित्र भाई यही तो है ना, ये फर्क है। मुझे कहना पड़ेगा मीडिया के साथियों से कि जब तिवारी जी की हत्या हुई तो 40 लाख रुपए सरकारी नौकरी ओएसडी की क्लास वन की दे दी गई। जब मनीष गुप्ता जी की हत्या हुई, दुखद है वो भी, नहीं होना चाहिए था, उनके परिवार से कोई व्यक्ति गया, उनको 40 लाख रुपए और ओएसडी की नौकरी मिल गई। मुझे उनके लिए भी दुख है कि ये रक्षक जो है भक्षक हो गए हैं, पुलिस नहीं गुंडे हैं, लेकिन मेरे व्यक्ति की हत्या की जाती है तो 10 लाख रुपए और एहसान कर रहे हैं, नौकरी कब मिलेगी कहाँ मिलेगी पता नहीं, अज्ञात में मुकदमा। तो ये दलितों की हैसियत है और इस हैसियत को हम ये समझते हैं कि हम भारतीय संविधान के अनुरूप हमें भी बराबर का अधिकार। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रहा है या इस मामले को उठा रहा है, क्या इसके लिए कोई विपक्ष की पूरी कमेटी बनेगी, सारे लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे? सरकार ये पुलिस किसकी है बताइए? सरकार की, सरकार की पुलिस हमारे लोगों की हत्या कर रही है। और मैं यहाँ ये पूछूं कि विपक्ष क्या कर रहा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं जौनपुर था, मुझे आने में समय लगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये घमंड हो जातीयता का, सरकार का, कुर्सी का, कि वो हमारे लोग हत्या करके चैन से बैठेंगे, तो ये नहीं चलेगा। अभी हम हैं और हमसे लड़ना पड़ेगा, या फिर करें हमारे भी कत्ल। अगर चाहते हैं कि न्याय को बाधित कर दिया जाए तो फिर हमारे भी कत्ल करें। अगर जैसे हमारे भाई की हत्या की तो हमें भी गोली मारे सरकार, लेकिन अगर सरकार सोचती है कि वो न्याय को बाधित कर देंगे तो ऐसा नहीं होता। मुझे तो पता है, मैं तो अपनी मांग रख रहा हूँ, जो परिवार चाहता है नहीं होगी उसको करवाने के लिए तो हम लोग हैं। पीड़ित परिवार से क्या कुछ बात, पीड़ित परिवार से बात करने के बाद सारे लोग मदद का आश्वासन दे रहे हैं, आप भी आए हैं, मिलके बातचीत हुई है, तो क्या पूरे सारे जो मिलने आ रहे हैं सारे विपक्ष के लोग एकजुट होंगे या अलग अलग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? सर, पिकनिक टाइम नहीं चल रहा, जिनका जो होना था वो हो चुका, हाथरस में भी हुआ था आपको याद है ना, मैं एक साल बाद भी गया वहाँ, आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। मेरा काम है ये, मैं यहाँ जन्मा हूँ, इन लोगों की सुरक्षा करना और इनके हितों के लिए लड़ना ये मेरा काम है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं दूर था जौनपुर इसलिए नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जिस सरकार में दलितों की हत्या हो रही है उस मुख्यमंत्री को कुर्सी बैठने का किसने अधिकार दिया? अगर वो उस प्रदेश की जनता को सुरक्षित नहीं रख सकता तो वो कुर्सी पर क्यों बैठा है? SSP किस मुँह से हमसे आँख मिलाएंगे? उस बच्ची से, वो जो 1 महीने की बच्ची है, कैसे आँख मिला कहेंगे कि मेरे लोगों ने हत्या कर दी? तो जिस सरकार का मंत्री, राज्य मंत्री किसानों पर गाड़ी चलवा देता हो, उस सरकार की पुलिस अगर दलितों को जो हत्या कर देती, कौन सा बड़ा काम है? अभी घर वाले डरे हुए हैं पुलिस से, रात भर पुलिस ना रहती, खाना नहीं खाने देती है, आपका उसमें क्या कहना है? अगर नहीं खाना खाने देगी तो हम यहाँ रहेंगे। अभी आपके सामने बोला है ना, खाना नहीं खाने देगा। मुझे उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अब नहीं होगा। अगर अब ये होगा, जिस तरह से पुलिस वहाँ घुस के बैठी हुई है और जिस तरह से पुलिस पर दबाव बना रही है, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। कुछ बोलने मेरा, मेरी राजनीति, मेरा काम यही नहीं? उन्होंने मुझसे बोल दिया जो बोलना था।